हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, तो आज के दिन मैं बना रहा हूँ नागा फूड, और इसको यहाँ में गालहो बोलता है। तो यहाँ में मैंने चावल, लोकल चावल एक कप लिया है, और ये रहा मेन पत्ता जो गालहो बनाता है। तो मैंने पत्ता लिया है, यहाँ में ड्राई पोका मीट जो है, सूखा सुअर का मीट जो है, मैंने उसको छोटा छोटा काट दिया है, और यहाँ पर मैंने बैठा दिया है। फ्रेंड्स, चावल को मैंने बैठा दिया है अभी, और इस टाइम में मेरा आंटी का बेटा सैलरी मिला है, तो उसकी तरफ से ट्रीट दिया गया है। यहाँ में कैप्सिका और पिज़्ज़ा लेकर आया है, तो हम लोग यहाँ में फुल पूरा फैमिली मस्ती करके एंजॉय करके हम लोग खा रहा है पिज़्ज़ा और चिकन बिरयानी, मस्ती के साथ खा रहा है, फुल एंजॉय के साथ। और बहुत टेस्टी है। तो यहाँ में पानी फूटने लगा है, चावल जो है थोड़ा पकने लगा है। यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है, और अभी मैं पत्ता डालने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पत्ता भी डाल दिया है, नमक डाल दिया है, और अखुनी डाला है। ये रहा अखुनी, नागा लोगों का अखुनी डाल दिया है मैंने, और इसके साथ खाने के लिए चटनी बनाया है मैंने, ड्राई फिश किया है, टमाटर फ्राई कर दिया है, मिर्चा वगैरह फ्राई करके चटनी बनाया है गालहो के साथ खाने के। और गालहो रेडी हो चुका है फ्रेंड्स, ना टेस्टी है नागा लोगों का, ये टेस्टी फूड है, कोहिमा का फेमस, नागालैंड का फेमस फूड है ये फ्रेंड्स गालहो। इसके बाद मैंने चिकन फ्राई कर दिया है, मैरिनेट करके मैंने पूरा सब मसाला डालकर, तेल डालकर, प्याज डालकर मैंने मैरिनेट कर दिया है रात के लिए है ये। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कॉमेंट करना। आज का ब्लॉग में शॉर्ट ब्लॉग, मिनी ब्लॉग ही बनाया है। आप मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब करना।